शुरू करते फिर। हाँ ओके गाइस, सो गाइस हमने क्या किया, समझ में आया क्या सिचुएशन सबको? ओके हमने एक वायर को एक मास से लगा दिया, करेक्ट। अब ये मास इस वायर को क्या करेगा बेटा, पुल करेगा। ओके पुल करने की वजह से ये मास, ये जो वायर है ये स्ट्रेच करेगा, और स्ट्रेच करने की वजह से इसमें, जस्ट अभी स्टार्ट करो यश, तो इसमें क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेन आएगा। डू यू एग्री विद मी? सबको इतनी बात समझ में आई थी? ओके आगे बढ़ू। अब देखो मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेस ऑडिबल ना दो वर्ड्स अभी भी, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, आई कांट आइडेंटिफाई क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा। कैन डू यू नो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम माइक प्रॉब्लम, बारिश, नो बारिश, वॉइस इज लो, बैटरी इज कंप्लीटली फुल बाबा। चलो मैं इसको बंद करके देखते हैं। से इट्स क्लियर नाउ। हेलो नाउ इट्स फाइन, यस सर, ओके ओके। सही है ना? Yes, it's perfectly clear. Okay, okay. मेरा साउंड मुझे रिपीट आ रहा है बट हेलो फॉर अस इट इज क्लियर, आई डोंट नो व्हाई माय साउंड इज रिपीटिंग। Ah, is there any issue from that side? No, sir. You are the host, so it must be from the speaker or anything else. No, no. Because my laptop speaker is close only. Let's see. Okay, let's continue. I'm putting the earphone down because I'm getting my sound again. चलो okay. आप लोगों को अच्छे से आ रही है ना आवाज? अभी ठीक है ना सारी आवाज? चलो ठीक, मैं शुरू करता हूँ। मैं माइक निकाल के हूँ तो मुझे सुनाई नहीं देगा अगर कोई बोल रहा है, ठीक है? अब देखो मैंने इसको खींचना शुरू किया, स्टार्टेड पुलिंग इस, इन फैक्ट आई एम नॉट पुलिंग इट, आई एम जस्ट पुटिंग अ मास ऑन। मैं इस पे मास डाल, इस पे मास डालता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, तो क्या होगा, स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा। इफ आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मास, द वैल्यू ऑफ टेंशन विल इंक्रीज एंड हेंस द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विल इंक्रीज, राइट? तो धीरे 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 मैं स्ट्रेस को बढ़ाता गया, स्ट्रेन बढ़ता गया, धीरे धीरे स्ट्रेस को बढ़ाता गया, स्ट्रेन बढ़ता गया। एक लेवल होती है जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, इस लेवल को कहा जाता है, जैसे ये पॉइंट कुछ ए है, ओके। सो ओ से ए के बीच में हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस जो है इट इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड इन दिस रीजन देर इज अ लॉ विच इज अप्लाइड हियर दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ।
पढ़ेंगे रूट लॉ क्या होता है बताओ। पर ए से बी तक क्या हुआ, मैं स्ट्रेस को बढ़ाता गया उसी प्रोपोर्शनलिटी में, उसी रेशियो में स्ट्रेन भी बढ़ता गया। अब मैं फिर से इस वेट को बढ़ाते जा रहा हूँ, फिर से इस वेट को बढ़ाते जा रहा हूँ, अब लेकिन क्या होगा, अब मैं कम स्ट्रेस दूंगा तो भी ज्यादा स्ट्रेन आएगा। अब मैं कम स्ट्रेस दे रहा हूँ तो भी ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, मतलब फ्रॉम ए टू बी स्मॉल इंक्रीज इन अ सिग्मा लीड टू लार्ज इंक्रीज इन एप्सिलॉन। बोलो समझ में आया कि इज दैट क्लियर। इसके बाद ए पॉइंट के बाद ओके, ये ए पॉइंट क्या बन गया फिर, इलास्टिक जीरो से ए तक क्या बना, ओ से ए तक क्या बना, इसको कहते हैं व्हाट इज दिस, आई एम लैगिंग अगेन, नो ना आई एम नॉट लैगिंग राइट, एक हाथ बच्चा कोई बोला ओके ठीक है। तो यहां से यहां तक ये गया और वापस भी आ सकता है, क्या यहां से वो वापस आ सकता है, क्या बी पॉइंट से वो वापस आ सकता है, आ सकता है भाई, कौन बोला नहीं आ सकता। टू सेड A से B small increase in a stress may lead to large increase in a strain, but यहाँ से भी वो वापस अपने track को वापस follow कर सकता है। अभी भी उसके बाद ये होता है point of elastic limit. There is a point of elastic. ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऐसा part exist करता है कि जहाँ पे stress और strain proportional तो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपने वेट लगाना बंद कर दिया तो ये वापस अपनी शेप को रिगेन कर सकता है। लेकिन अब इसके बाद अगर आप इसको वापस लाना चाहते हो, क्या ला पाओगे, क्या आप इसको वापस ला पाओगे स्ट्रेस, नो। अगर वापस लाना चाहोगे तो इसमें क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेन बच जाएगा अगर आपने यहां से इसको छोड़ दिया तो वापस एकदम ओरिजिनली एकदम यू नो जहां पे था वहां पे नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेन उसमें बच जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको कि इसके बाद वो डायरेक्टली अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर सकता है। ठीक है, यहां तक क्या हुआ, जीरो से ए तक इसको रिलीज किया तो ये वापस आया, ए से बी तक इसको रिलीज किया वापस ओ पे आया, लेकिन बी के बाद अगर किसी पॉइंट पे आपने स्ट्रेस हटा दिया तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत स्ट्रेन उसमें हमेशा बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर, क्या आपको बात समझ में आई, is that clear? String का shape, elastic okay, string का shape क्या है? String, you know, cylindrical type, it's like a cylinder. Okay, so zero से A तक क्या हुआ? Stress proportional to strain है. A से B तक stress is not proportional to strain. For small increase in a stress, there is large increase in a strain. उसके बाद क्या हुआ? B के बाद क्या हुआ? B के बाद क्या हुआ? ये कौन सा point होता है? और उसके बाद ये कौन सा पॉइंट होता है बताओ, ये वाला कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट मतलब ब्रेकिंग, और ये वाला कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट, बोलो ये कौन सा पॉइंट है, लास्ट वाला, टेल मी कम ऑन, कौन बोल सकता है, कंप्रेशन फ्रैक्चर पॉइंट, एग्जैक्टली दिस इज अ फ्रैक्चर, सी इसका भी मीनिंग मैं समझाता हूं। अच्छा, B से C ये क्या डिटरमाइन करता है, B से C का जो लेंथ है क्या ये वापस रिगेन कर सकता है अपनी शेप को, नो। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सी लिमिट है, कौन सी लिमिट के बारे में बताता है, कौन से मटेरियल के बारे में डिटरमाइन करता है, ये प्लास्टिक बिहेवियर के बारे में, प्लास्टिक रीजन है ये, प्लास्टिक प्लास्टिसिटी के बारे में डिटरमाइन करता है, जितना ज्यादा ये लंबा रीजन होगा उतना ही ज्यादा प्लास्टिक होगा मटेरियल, समझ में आई बात, और एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां पे मटेरियल टूट गया। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट वाला ऐसा नहीं होता कि मटेरियल यहाँ टूट ही जाता, ये ऐसा पॉइंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ब्रेकिंग पॉइंट का मीनिंग आपके दिमाग में ऐसा होगा ना कि यहाँ मटेरियल टूट गया, मतलब ये वायर टूट गया, ऐसा होगा आपके दिमाग में इसका मीनिंग, राइट। अब ये ऐसा पॉइंट होता है ब्रेकिंग पॉइंट, इसके बाद अगर तुमने लोड हटा भी दिया ना तो वायर अपने आप बढ़ेगा 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 और टूट जाएगा, तो बढ़ के टूट जाएगा, इवन आफ्टर द लोड इज रिमूव्ड the point will the wire will extend itself and break, eventually break down. Okay, this is practically possible. See, when you do this experiment in the laboratory, what you'll find out is that ek aisa point aayega jiske baad tum weight hata do, wire weight hatane ke baad bhi badh raha hai, pehle badh raha tha kya, is region mein badh raha tha kya, nahi weight tha iski wajah se badha tha, weight nikal rahe the wapas ja raha, lekin is region mein kya hoga, is region mein even after the weight is removed
सीडी रीजन में इवन आफ्टर वेट इज रिमूव्ड वायर विल एक्सटेंड एंड ब्रेक wire will extend and break. Is that clear? Now, most important part of the graph is which part? I'm reading your comments, sir, but how, like, is there any specific example of wire extension? But yeah, it's practical. You can, you know, YouTube pe jao, experiment, stress strain curve experiment balke type karo. You'll find out example. Jisme practically dikhayega wo break hota. Theek hai? You have to do that, okay, by yourself. क्या हो गया, क्यों ऐसा हुआ, जरा लॉजिकली सोचो ऐसा क्यों हो रहा हो। मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में समझाया था कि सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर, याद आया? तो उनके बीच में एक बॉन्ड है, पर तुमने इतना खींच लिया कि बॉन्ड ही ब्रेक। अब तुम्हें खींचने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही एक्सटेंड है। समझ में आया क्या? वैसा हो रहा है वहां, ठीक है? सो एनीवेज, व्हाट व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर यू गाइस? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज ओ से ए। एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन है और यहाँ पे अप्लाई करते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ सिंपली ये कहता है इस रीजन में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। तो इसका मतलब क्या है? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? स्ट्रेस इज सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। वी हैव टू रिप्लेस इट विद अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज। कौन सा कांस्टेंट है? कौन सा मॉडुलस होता है? यंग्स मॉडुलस। कौन सा मॉडुलस होता है? यंग्स मॉडल्स। बोलो समझ में आया क्या? क्लिक क्लियर हुआ सबको ये? ओके, समझ में आया? क्लियर है यहां तक? सो इट विल बी ब्रेक एट अ फ्रैक्चर पॉइंट। यस, एट अ फ्रैक्चर पॉइंट इट विल बी ब्रेक। सी इज अ ब्रेकिंग पॉइंट आफ्टर व्हिच इवन इफ द लोड इज रिमूव्ड इट विल एक्सटेंड इटसेल्फ एंड इट विल ब्रेक इवेंचुअली एट अ पॉइंट बी। यस, ओके सोहम, समझ में आया क्या होगा बेटा? सो हम ऐसा हो सकता है कि कभी कभी यहाँ ही ब्रेक कर दें, कभी कभी यहाँ ब्रेक कर सकता है, यहाँ ब्रेक कर सकता है। जितना ये लंबा कुछ इसका ग्राफ हर मटेरियल के सेम थोड़ी है, सब मटेरियल के लिए इसका ग्राफ डिफरेंट। एग्जैक्टली, अगर बताओ मटेरियल ब्रिटल होगा, ब्रिटल, ब्रिटल मटेरियल मतलब कैसा होता है भाई? ब्रिटल मतलब, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? चॉक, वेरी गुड, चॉक इज एग्जांपल। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, बस खत्म, इधर ही खत्म, टूट गया, तुरंत टूट गया। ये बढ़ेगा क्या? प्लास्टिक ब्लिस्टिक होगा क्या इसमें? नहीं, प्लास्टिक ब्लिस्टिक नहीं होगा, खत्म कहां, ठीक है? और प्लास्टिक अगर ज्यादा होना चाहिए अगर किसी में, तो बीसी का वैल्यू सबसे लंबा। अगर कोई मटेरियल बहुत ज्यादा प्लास्टिक है तो उसमें ये बीसी वाला रेंज थोड़ा सा लंबा होता है। और क्लियर है सबको? तो मैं लिख देता हूं, डक्टाइल के केस में बीसी का वैल्यू लार्ज होगा और ब्रिटल मटेरियल के केस में बीसी का वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल। बस ये छोटा छोटा पॉइंट आपको याद रखना। कोई मटेरियल ऐसा है क्या कि वो इलास्टिक लिमिट में टूटेगा? इलास्टिक लिमिट में टूटेगा बोले तो ये ब्रिटल टाइप के मटेरियल जल्दी टूट जाते, ब्रिटल मटेरियल जो जल्दी टूट जाए। और क्या बोला? सीडी में ऐसा क्यों होता है? सीडी में ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। व्हाट्स योर नेम? शाहिद, साहिल। बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। बीसी में क्या होगा? बीसी में क्या होगा? इन द रीजन बीसी, इट इज अ प्लास्टिक रीजन, इट टेल्स अबाउट द प्लास्टिसिटी। अगर बीसी रीजन में आपने थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है, और अगर आप इसको स्ट्रेस को हटा देते हो तो पार्टिकल में थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन बच जाता है। समझ में आ गया? आपने स्ट्रेस हटा दिया तो पार्टिकल ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पॉलीथिन, पॉलीथिन को आपने स्ट्रेच किया और छोड़ दिया, क्या पॉलीथिन ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है? नहीं, उसमें कुछ तो स्ट्रेन बच जाता है, थोड़ा बहुत आ जाती है लेकिन पूरा नहीं आ पाती, राइट? पॉलीथिन, आई एम टॉकिंग वेरी थिन पॉलीथिन। क्या बोल रहे सर आप? जब बोर्ड के पास देखकर बोलते हो तो वॉइस इज लो। पता
पता नहीं कहां से प्रॉब्लम है, आई वुडंट बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एक्चुअली, आई वुड हैव सॉल्वड इट बट पता नहीं समझ आ रहा है कहां गड़बड़ है। माइक इज नॉट दूर रे, ये पास ही। No Pranav, it's only connected to one device. Anyways guys, we'll identify it later on. Let's not waste the time and let's proceed. Let's finish this topic today because it's very simple. There is nothing in this topic. Full charging hai baba. Survey. Lecture ke pehle hi charge rehta. Chalo anyways, no problem. Let's write it down guys as early as possible. We'll try to finish this topic. This wire is normal. See, ये वायर ऐसा है, मतलब स्टील वायर की तरह, इट्स लाइक अ स्टील वायर। हु आस्क्ड दिस? अथर्व। Okay guys, done writing. Please write it quickly. Devraj, tell me that. How would this curve look for ice ke liye to basically ice ye ho jayega na tumhe brittle hai ice to brittle ki tarah aise hi dikhega kuch okay guys I'm rubbing this now oa is a proportional lift oa yes oa mein proportionality valid hai ab mein valid nahi hai ठीक है ओके बेटा कैन आई प्रोसीड नाउ यस रिस्टोरिंग फोर्स इज देयर व्हिच इज हेल्पिंग इट टू एक्सटेंड ओके गाइस कैन आई रब दिस यस डी तक मटेरियल ब्रेक होगा कंफर्म इसलिए उसको फ्रैक्चर पॉइंट बोला है ओके गाइस मुझे एक बात बता हैव यू सीन ट्रेन्स ट्रेन्स देखी है जो यू नो वेट लिफ्ट मतलब लाइक वेट को लिफ्ट करती है कंस्ट्रक्शन में यूज होती है यू नो इनफैक्ट जो अपना कचरा होता है ना वो कचरे को भी डंप करने के लिए ट्रेन्स वगैरह वो यूज करते हैं काफी सारा कचरा हेवी कचरा उससे उठाते हैं या फिर यू नो बड़ी बड़ी मशीनरीज लिफ्ट करते हैं बहुत सारी चीजें उससे लिफ्ट की जाती है तो क्रेन्स में वायर्स होते हैं देखा आपने क्रेन्स में वायर्स होते हैं अब मुझे बताओ क्या उन वायर का भी एक ब्रेकिंग यू नो एक वैल्यू होगा कि जिसपे वो ब्रेक कर जाएगा होगा कि तो अपन एक चीज डिफाइन करते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या डिफाइन करते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है ब्रेकिंग फोर्स और ब्रेकिंग टेंशन पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक ऐसा फोर्स जिस पे वो ब्रेक कर जाते हैं उसको ब्रेकिंग फोर्स कहा जाता है और उसके करेस्पोंडिंग स्ट्रेस को अपन क्या कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं बोलो ब्रेकिंग स्ट्रेस समझ में अब आप मटेरियल साइंस पढ़ रहे हो आगे चल के मान लो यू नो या सिविल इंजीनियरिंग करते हो तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ब्रेकिंग स्ट्रेस आपका एक ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो वर्किंग स्ट्रेस से हमेशा कैसा होना चाहिए वर्किंग स्ट्रेस शुड बी ऑलवेज लेसर देन द ब्रेकिंग स्ट्रेस राइट अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी यार देखो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो सकती है कि बहुत सारी कैजुअलिटीज हो सकती है इसलिए कोशिश की जाती है कि एक सेफ्टी फैक्टर रहे है ना सेफ्टी फैक्टर कि भाई थोड़ा सा सेफ रहे अपन सेफ्टी फैक्टर क्या होगा बताओ व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ द सेफ्टी फैक्टर ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन
वर्किंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस. यूजुअली सेफ्टी फैक्टर को 2 रखा जाता है, डबल, ठीक है ना. ब्रेकिंग स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा बड़ा होना चाहिए, मतलब लाइक जहां पे अपन काम करें, फॉर एग्जांपल 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपना यू नो नॉर्मल वर्किंग स्ट्रेस है, इसका मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए. इतना गैप अपन रखते हैं बिकॉज इमरजेंसी कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि वो केबल ब्रेक कर जाए और कैजुअलिटी. समझ में आएगी? तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं कि बताओ व्हाट इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस, व्हाट इज द वर्किंग स्ट्रेस और व्हाट इज द रेशियो. रेशियो लाइक 2, सॉरी रेशियो इज केप्ट एज 2, मतलब लाइक 2 को 2 रखा जाता है. 2 से कम रखते कोई लोग, ज्यादा रखते, बट 2 इज स्टैंडर्ड नंबर. सो हम पार्ट write it down. और क्या क्वेश्चन है? आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन बट आई एम रीडिंग देम. द ब्रेकिंग पॉइंट एंड द फ्रैक्चर पॉइंट इक्वल हो सकते हैं क्या? ब्रेकिंग पॉइंट या हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. उसके बाद क्या बोला? व्हेन मटेरियल आर स्ट्रेच्ड, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, इज देयर एनी फैक्टर सच एज इंटरनल फ्रिक्शन इनसाइड द मटेरियल? इंटरनल फ्रिक्शन विल नॉट से, विल से इंटरनल फोर्स विल से, विल नॉट से इंटरनल फ्रिक्शन. ओके, इसको इंटरनल फोर्स बने, फ्रिक्शन नहीं बोलेंगे. फ्रिक्शन तो अपोज कर, चेंज चेंज मतलब लाइक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? जब दो चीजों में रिलेटिव मोशन. जैसे हमने सेफ्टी फैक्टर 2 किया, उसके वजह से केबल मशीनरी पे इंक्रीज लिमिटेशन हो सकता है, मतलब हाँ हाँ मतलब ज्यादा हेवी वेट भी अपन उठा सकते हैं पर्टिकुलर मेथड से. यस, इट्स पॉसिबल, इट्स वेल पॉसिबल. बेटा सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से सर्वे आगे बढ़ो बेटा. यस प्रोफेसर एम कार्तिक, यस आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. कैन वी प्रोसीड नाउ? बढ़ रहा हूँ मैं आ गया. अब बताओ, अपन ने इस केस में खाली एक मॉडुलस डिस्कस किया. अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक है कि बहुत सारे हैं? बहुत सारे आपने पढ़ा है ना बोर्ड्स के लिए, कितने सारे मॉडुलस है बताओ? टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चल अब सबको डिस्कस करेंगे अपन. टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने टोटल? 3. 3 में से पहला नंबर यंग्स मॉडुलस का लगता है, यंग्स मॉडुलस, ओके, व्हिच इज ऑलवेज डिनोटेड बाय वाई. ठीक है, फिर से डिफाइन कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं. यंग्स मॉडुलस इज टेंसाइल स्ट्रेस, इट्स डिफाइंड एज टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी तो बोल सकते. ठीक है, दैट मींस it's equals to sigma divided by epsilon, whereas sigma is equals to kya tha tensile mein? F by A. Aur epsilon kya tha? Change in length by length. Yaad hai? Change in length by length. Okay guys? Sir, aray yaar, main padh nahi paya hu Akshay, tumhara doubt padhta hu main, pehle samajh liya. Jab main likhne ko dunga na, tab padh lunga. Young's modulus is equals to stress upon strain. Longitudinal stress is F by A. Longitudinal strain is delta L by L. Change in length by L. Okay? तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा? देखो, फोर्स ऊपर, एरिया नीचे, लेंथ डेल्टा एल नीचे, लेंथ ऊपर. ये आ गया आपका यंग्स मॉडुलस. इनफैक्ट काफी बार यंग्स मॉडुलस का यूज करके हम फोर्स भी निकालते हैं. फोर्स की वैल्यू हो जाएगी यंग्स मॉडुलस ओके इनटू एरिया इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिन. ओके, ये हुआ आपका यंग्स मॉडुलस. सेकंड मॉडुलस, टेल मी द नेम ऑफ सेकंड. बाय द वे, यूनिट क्या होता है मॉडुलस का? व्हाट्स द यूनिट ऑफ द मॉडुलस? कैन यू टेल मी?
यूनिट क्या होएगा, कोई भी मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का यूनिट क्या होएगा? काव्या इज सेइंग आई एम लैगिंग वेरी मच, इज दैट सो? एम आई लैगिंग फॉर एवरीवन? नो काव्या, दैट इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड बेटा. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है. काव्या प्लीज चेक योर कनेक्शन ओके, बिकॉज बाकी स्टूडेंट के लिए परफेक्टली फाइन आ रहा है, टोटली क्लियर. ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा गाइस. अब मैं यूनिट नहीं लिखूंगा कहीं पे, ठीक है? चलो अब सेकंड मॉडुलस बताओ कौन सा. बल्क मॉडुलस. बल्क क्या बताता है? बल्क मॉडुलस कौन से स्ट्रेस का और कौन से स्ट्रेन का रेशियो बताओ. चलो मैंने बताया था तब थोड़ी देर, मतलब लास्ट लेक्चर में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक, अरे शियर नहीं बाबा, शियर इज डिफरेंट. ओके, कौन सा होएगा? बल्क मॉडुलस इज डिनोटेड बाय बी इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, थर्मो में भी आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, काफी जगह पे आता ही है. वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेव्स पढ़ा क्या? वेव्स, हैव यू स्टडीड वेव्स एवरीवन? तो वेव में आया था कि नहीं आया था? स्पीड ऑफ साउंड में आया था कि नहीं आया था? आया था ना. थर्मोडायनेमिक्स में आया था कि नहीं आया था? लैपलास करेक्शन बोल के आया था, जगह आ जाता है, कहीं पे भी घुस जाता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है? तो बल्क मॉडुलस में क्या है, ये मान लो अपना स्फीयर है, इसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं, कॉम्प्रेस करने से क्या हो जाता है भाई? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है. तो बताओ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया. परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया को क्या लिख सकते हैं अपन बताओ? इस केस में, लिक्विड एंड गैसेस के केस में, फोर्स अपॉन एरिया को क्या लिख सकते हैं? प्रेशर लिख सकते हैं, और वी कैन से चेंज ऑफ प्रेशर. फोर्स की वजह से प्रेशर तो ऑलरेडी था, लेकिन आपने एक्स्ट्रा फोर्स दिया तो एक्स्ट्रा प्रेशर आया, एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हुआ, एक्सेसिव प्रेशर. कौन सा प्रेशर? एक्सेसिव प्रेशर और एक्सेस प्रेशर डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. नाउ टेल मी, चेंज इन द वॉल्यूम इज पॉजिटिव और नेगेटिव? थिंक अबाउट इट. चेंज ऑफ वॉल्यूम, final minus initial, final is lesser, initial is bigger, that means change is negative, so this constant becomes negative. Is it possible that constant will be negative? Constant negative ho sakta hai kya? Nahi, constant hai, humne define kiya, constant define kiya, positive constant, modulus bhi positive, ye young model. To isko positive banane ke liye hum extra sign laga dete hain, theek hai? एक्स्ट्रा साइन चिपका देते माइनस का, टू मेक इट पॉजिटिव, जस्ट टू मेक इट. सो कैन आई से इट्स समथिंग लाइक माइनस वी डेल्टा पी बाय डेल्टा वी, और कैन आई से माइनस वी डीपी बाय डीवी आल्सो? अलग अलग तरीका है उसको लिखने का, डेल्टा को डी लिख दिया और कुछ नहीं. नीट वाले ये नहीं भी पता हो तो चलेगा, यहाँ तक ही आपको काम, पर कोई बड़ी बात नहीं है. डेल्टा को डी लिख दिया, डेल्टा मतलब फाइनाइट होता है, डी मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होता है, ठीक है? तो बल्क मॉडल समझ में आया सबको? अब बल्क मॉडल का भाई है, मतलब जैसे कि बल्क मॉडल में एक छोटी सी डेफिनेशन होती है, कॉम्प्रेसिबिलिटी. कॉम्प्रेसिबिलिटी इट इज डिनोटेड बाय के एंड इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अ बल्क मॉडल. इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ अ बल्क मॉडल. तो मुझे एक बात बताओ, कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा है मतलब कॉम्प्रेस, कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा है मतलब कॉम्प्रेस ज्यादा होगा कि कम? कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा, ज्यादा कॉम्प्रेस, कॉम्प्रेसिबिलिटी कम, कम कॉम्प्रेस. तो कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा मीनिंग बल्क मॉडुलस कम, बराबर? अच्छा बल्क मॉडुलस कम मतलब चेंज इन वॉल्यूम नीचे आया, वो तो सही है क्या? सही है क्या? देखो इन दोनों का रिलेशन बराबर बैठ गया, चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा मतलब कॉम्प्रेस ज्यादा मतलब बल्क मॉडुलस कम. अरे याद रहेगा, के लेस तो बल्क मॉडुलस मोर, तो चेंज इन वॉल्यूम लेस, याद रहेगा ये? समझ गए कंसेप्ट को, समझ गए? तो अगर कोई मटेरियल ज्यादा कॉम्प्रेस हो रहा है तो उसका बल्क मॉडुलस कम है, इनवर्स रिलेशन, दैट्स इट. इसका एग्जाम्पल, अरे करते हैं एग्जाम्पल्स, करते हैं क्वेश्चंस, करते हैं, डोंट वरी, विल सॉल्व क्वेश्चंस. कार्तिक, okay, don't worry, this is the theory part, let me finish the theory part. There is one more constant, one more modulus is there, shear modulus, usko bhi discuss karte hain, theek hai? Patapat likh lo.
चाहो तो लिख लो भाई, अगर भूल जाओगे तो लिख लो। ये किसके लिए डिफाइन किया था? सॉलिड्स के लिए। ये किसके लिए है? लिक्विड्स एंड गैसेस। अभी तक होमवर्क नहीं मिला आपको करना है? अरे ठीक है, देख लो। अच्छे कह रहे हैं सर, विल देयर बी डिफरेंस इन ब्रेकिंग दिस एनवायरनमेंट ऑफ वॉल्यूम स्मॉलर वायर? यस ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली। अच्छे यस, डिफरेंस रहेगा। सिंगल सिंगल वायर को अगर तुमने जॉइन करके मल्टीपल फोल्डेड वायर बनाया राउंडेड, तो उसका ज्यादा वेट। If we are blowing a balloon, volume increases. So how can we always add a minus sign in all this? We are blowing a balloon. Yes, in that case, it's not required. See, ultimately, Rudraja, you have to make the bulk models positive. So if it's not required, you'll not put it. Mod will be the better option. It's a unit. Irreversible modulus. Yes. Meter square per Newton. Yes. So. Akshay, देखो भाई ये चीजें ना आपको पढ़नी इंजीनियरिंग। Yes, आपको पढ़नी पड़ेगी। और पता है as a civil engineer, mechanical engineer ये सारी चीजें सीखनी भी पड़ेगी। Tables होंगे बहुत सारे, लॉक टेबल जैसे होता है ना, वैसे बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स होते हैं जिससे वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल मतलब लाइक यूज किया जाता है। चलो गाइस डन राइटिंग, फटाफट बोलो डन क्या। तीसरा एंड द लास्ट क्या है भाई इसका नाम बोलो? इसका नाम है शियर मॉडुलस। क्या होएगा ये शियर मॉडुलस? इट इज डिनोटेड बाय ईटा, जैसे विस्कोसिटी का साइन था ना उसका ही साइन। शियर मॉडुलस इज नथिंग बट शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस क्या था मेरा? फोर्स अपॉन एरिया था, लेकिन एरिया ऑफ द सरफेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन क्या था? फाई था। याद आया ना? या तो डायग्राम बनवा लेते हैं। याद है डायग्राम? ये सरफेस था है ना, इसको धक्का दिया तो ये कुछ एंगल से ऐसे चेंज हुआ राइट। ये फाई एंगल, ये x, ये l, याद आया सबको? और इसका एरिया a, बोलो भाई समझे कि नहीं? फोर्स अपॉन एरिया अपॉन phi, phi से स्ट्रेन डिनोट किया जाता है। तो दिस इज द शियर मॉडुलस, और इट्स आल्सो कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आल्सो कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर बहुत ज्यादा रिजिड है तो स्ट्रेस कैसा रहेगा? शियर स्ट्रेस, सॉरी शियर मॉडुलस का वैल्यू कैसा रहेगा? इफ द मटेरियल इज वेरी रिजिड, रिजिड है, हिलने नहीं वाला, तो शियर मॉडुलस कम, करेक्ट? राइट इट डाउन, देन आई विल गिव यू अ क्वेश्चन।
सर आई हैव अ डाउट, शेयर में एरिया क्या लेंगे? एरिया लेयर का लेंगे, मैंने बताया था अपूर्व भाई, किसका लेंगे बेटा अपूर्व? लेयर का, जो लेयर होती है ना ऊपर वाली, उसका लेंगे अपूर्व। ओके यस, दिस इज फॉर सॉलिड्स। सी लिक्विड में शेयर मॉडुलस ऐसा नहीं है कि लिक्विड में, लाइक लिक्विड भी तो स्लाइड करता है, पर लिक्विड में स्लाइडिंग बहुत फास्ट हो जाती है, राइट? अपन लिक्विड की स्लाइडिंग को अलग कंसेप्ट में पढ़ते हैं, जिसको अपन विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है? तो वो कंप्लीट डिफरेंट पार्ट, तो इसलिए अपन ये ज्यादातर किसके लिए यूज करते हैं? सॉलिड्स के लिए यूज, ठीक है? तो अब एक क्वेश्चन देते, देखिए कितने लोग सही करते हैं। तो लेट मी सी द डाटा, स्टैंडर्ड डाटा लेते हैं। अबे मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ तो वॉइस कैसा है? सुना है, मैं बोली बोलूंगा नहीं तो वॉइस कहाँ से आएगा? चलो करो करो, सॉल्व करो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का फॉर्मूला कांट जस्ट बी एफ बाय ए ना, क्योंकि एरिया तो बदल रहा है। तो मैंने कहा था स्वयं, ये मैंने कहा था कि देखो भाई एरिया तो बदलता है, ऐसा नहीं एरिया नहीं, तो एरिया का बदलने का वेरिएशन कम होता है, इसलिए अपन इनिशियल एरिया लेते हैं जहां पर अपन ने फोर्स सप्लाई करना शुरू किया। वॉइस इज लो, माय वॉइस चलो क्वेश्चन करो क्वेश्चन करो। बेटा स्वयं बिकॉज वो क्या है, लिक्विड इन गैस है, उसमें फोर्स बोन एरिया को अपन प्रेशर डिफाइन कर सकते, परपेंडिकुलर फोर्स बोन एरिया है ना वो, इसलिए। बांद्रा में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, अभी तो पानी भरना शुरू हो गया। ओके कोमल, ओके ओके कोई बात नहीं, जाने दे, अपन इधर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। टेन किलो न्यूटन भाई क्या होगा सोचो, 10 किलो न्यूटन क्या होएगा? फोर्स होएगा ना बस। मतलब इसका वेट है, बेसिकली वेट गिवन दिया है, 150 mm इज अ रॉन्ग आंसर। तुझा ट्राई अगेन, 150 mm is a wrong answer. Try again, please. But I think you're near to the answer.
डिफ्लेक्शन मतलब कितना खिसक गया नीचे। चलो फटाफट करो ट्राई। सेवन पॉइंट फाइव यू आर नियर टू द आंसर। करें डिस्कस करें, डिस्कस किया जाए, सब लेवल का सवाल, सबके लेवल का सवाल, सबको आना चाहिए, सबको। मुझे सबसे पहले तो बताओ, अगर मैंने इधर टेंशन टी लिया, इधर टेंशन टी लिया, तो इधर टेंशन टू टी होगी, तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ टू टी? 10 किलो न्यूटन, किलो मीन्स 10 पावर 3, तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ टी? 5 किलो न्यूटन। सबसे पहला। दूसरा काम स्ट्रेस निकालने का, स्ट्रेस इज टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस? 5 इनटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हिच इज 10 टू द पावर 3 mm स्क्वायर, सो दिस बिकम्स न्यूटन पर मीटर मिलीमीटर स्क्वायर डायरेक्टली। दिस विल गेट कैंसिल, इट्स 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। From here, you need to calculate the delta L value. Delta L by L, which is nothing but a strain. Strain is equals to stress upon Young's modulus. Okay, strain upon Young's modulus. So, stress is 5 Newton per mm square upon Young's modulus is 3. So my delta L becomes L multiplied by 5 into 10 to the power minus 3. So delta L ka value kitna hai? L ka value kitna hai? What's the value of L? टोटल लेंथ कितनी बार? 1500 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 आ जाएगा मीटर में, राइट? ओके, तो इसको 75 पे दो जीरो इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 बोलो चमका के, तो इसको मैं 7.5 mm भी लिख सकता हूँ। कितना हुआ 7.5 mm? बोलो समझा कि नहीं समझा? 7.5 mm is not your answer. 7.5 mm कौन किसका, किसमें चेंज आया? Tell me, कौन से वायर में चेंज आया? अरे स्मॉल ले रहे बेटा, इसमें चेंज आया 7.5, तो इसमें कितना चेंज आया? अगर इसमें x चेंज आता है तो उसमें 2x चेंज आता है, इसमें x आएगा तो उसमें 2x आएगा, तो बताओ इसमें 7.5 आएगा तो इसमें कितना आएगा? 7.5 का आधा, that is 3.75 mm for the correct answer. किसी को मिला था क्या? Near to it, okay, good. 7.5 तक पहुंच गए थे, बहुत बढ़िया। काफी बच्चे 7.5 तक पहुंच गए, अच्छी। फर्स्ट थ्री स्टेप्स नहीं समझ भाई, टेंशन, टेंशन को किसने बैलेंस किया? वेट ने। ये पहली स्टेप है, टेंशन बैलेंस बाय वेट। टेंशन निकाला, स्ट्रेस निकाला, मॉडुलस वाला फॉर्मूला यूज करके स्ट्रेस स्ट्रेन निकाला, स्ट्रेन के बाद डेल्टा एल निकाला। क्या समझना है इसमें? समझना क्या है ऐसा? तो कौन सी चीज नहीं समझ गई बेटा कोमल? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, नीट एग्जाम में पूछा गया है लेकिन जेई लेवल का, इसलिए इंपॉर्टेंट। नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया है डायरेक्ट, डायरेक्ट
expect you to remember the answers for such type of question, but I would say this is a JEE level question in which integration is important. No, not both. It's effective strength. बेटा इसमें इफेक्टिव रिसीव तू इसको एक्स डिस्प्लेस करती है तो उसमें कुछ 2x डिस्प्लेसमेंट आता है ना तो उसके 2x की वैल्यू उसने दी है ये कंस्ट्रेंट है बेटा एनएलएम यू आर नॉट एबल टू हियर मी ऐसे यार ऐसे क्यों नहीं हो वॉइसेस दो मैं ऐसा करता हूँ ईयरफोन बंद करके देख अब आ रही है क्या प्रॉपर आवाज पक्का ओके चलो कोई बात नहीं इसका मतलब अपने ईयरफोन में प्रॉब्लम है आज चलो कोई बात पहला क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आया चलो सेकंड क्वेश्चन करो दो चार क्वेश्चंस करने हमें फटाफट गाइस Let's try to finish this topic today. काफी छोटा सा टॉपिक है काव्या अरे बेटा ये ना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है अगर तू वैसा देखेगा तूने ये न्यूटन्स लॉ में पढ़ा होगा ना कि अगर मैं पुली को x से डाउन लेके जाता हूं तो जो थ्रेड है वो 2x से रिलीज हो जाता है ये पढ़ा था क्या तो बस वही है ये क्या नाम था आपका काव्य स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यस स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बिल्कुल सही बोल रहे हो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना हाँ यस यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ठीक है गाइस क्या मैं क्वेश्चन वन हटा सकता हूँ ये करो देखते हैं कितना लोग सही करते हैं इंटीग्रेशन करो करो किसी ने आंसर बताया था एक बार बताना फिर से किसी ने आंसर निकाला था यानी कमेंट अगेन इलॉन्गेशन पूछा ठीक है डेल्टा एल का वैल्यू पूछा है तो डेल्टा एल का वैल्यू आना चाहिए तुम्हारा इसने कमेंट किया था थोड़ा गलत था उसका एक्सटेंशन वेरिएबल है नीट वालों को थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं एग्जाम में पूछा गया भाई आपके ऐसे क्वेश्चंस रॉन्ग आंसर है हिमांशु नीट वाले सुनो ये करेक्ट है शायद से व्हाट्स योर नेम सोहम शायद ये करेक्ट है नीट वालों को एक आइडिया बताऊंगा मैं करना क्या है बोलिए टेंशन मत लो आई टेल यू द ट्रिक Done? Yes. Soham, yes. Yes, Soham and Uttara Kamat. बिल्कुल सही आंसर है भाई
उत्तरा का भी आंसर बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, और यश सॉरी क्या नाम था आपका, सोहम का, दो लोगों का आंसर सही मिला है मुझे। करा जाए डिस्कस, जिनका हो गया उनके लिए मैं अलग सवाल लिख देता हूँ। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, यंग्स मॉडुलस को बाय ले लेना, रॉड के यंग्स मॉडुलस को बाय, ठीक है। चलो जिनका हो गया वो थर्ड क्वेश्चन कर सकते, जिनका नहीं हुआ बेटा ध्यान देना। नीट वालों तुम्हें भी एक आसान तरीका बताऊं, टेंशन मत लो तुम, बिल्कुल बिल्कुल चिंता नहीं करनी। पहले मैं बेसिक से बता, ठीक है, एकदम बेसिक से कि कैसे जाना चाहिए, और फिर तुमको बताऊंगा मैं कैसे इसको समझना या याद करना। देखो यहां से मैं नहीं ऊपर से नहीं जाऊंगा, मैं नीचे से जाऊंगा, नीचे से जाना ज्यादा बेटर। यहां से मैं x डिस्टेंस पे गया, मैंने छोटा सा एलिमेंट कैसे लिया, छोटा सा एलिमेंट, कितने थिकनेस है इसकी, dx, कितनी थिकनेस है इसकी, dx। बताओ आपको अगर इस dx थिकनेस में टेंशन देखना है तो आपको ये जो कट वाला पोर्शन है, इस कट वाले पोर्शन को जितना वेट नीचे लगा क्या उतना ही टेंशन ऊपर होगा, अरे बोल होगा कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है क्या, बताओ बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बताओ टेंशन की वैल्यू कैसे लिख सकते हो, क्या टोटल वेट अपॉन टोटल लेंथ इनटू गिवन लेंथ, बोल चलेगा, इज दैट ओके, इज दैट कंप्लीटली ओके, चल परफेक्ट। नाउ छोटा सा जो पोर्शन है आपका, छोटा सा पोर्शन ये बताओ इसकी थिकनेस dx है, क्या इसकी थिकनेस dx है तो इसमें इलांगेशन भी dx है, नहीं इसका इलांगेशन कुछ और होगा ना, अरे हाँ या ना, इसमें इलांगेशन होगा कि नहीं होगा, इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, इसकी एक्चुअल लेंथ dx है, मान लेते हैं इलांगेशन इन दिस इज dy, तो आप देखो एक फॉर्मूला आपके पास, डेल्टा l बाय l दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, बराबर है कि नहीं, अभी डायरेक्ट किया ना, यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डिराइव किया था, राइट, वही से अपन ने स्ट्रेन इक्वल्स टू यंग्स सिग्मा अपॉन वाई लिख दिया, बराबर। अब बताओ मुझे जरा, अब बताओ अच्छे से डेल्टा एल को क्या लिखेंगे, डेल्टा एल, डेल्टा एल इज इलांगेशन, ओरिजिनल लेंथ इज dx इज इक्वल्स टू सिग्मा स्ट्रेस, स्ट्रेस इज टेंशन अपॉन एरिया अपॉन वाई, कीप द वैल्यू ऑफ टेंशन फ्रॉम अबव इक्वेशन, ए भाई बाउंसर तो नहीं जा रहा है ना, नहीं तो बोलोगे सर क्या पढ़ाते हो, कुछ भी गंदा सा पढ़ाते हो, भाई समझ में तो आ रहा है ना सबके कि बाउंसर जा रहा है, छोटा सा पोर्शन का एक्चुअल लेंथ dx है, उसका इलांगेशन dy है, इलांगेशन अपॉन एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, बोल चमका कि नहीं, आई वॉन्ट टू हियर दिस फ्रॉम नीट स्टूडेंट्स, एक्चुअली जेई वालों को तो समझना चाहिए, उनको तो मुझे डांटना चाहिए अगर ये नहीं समझाते, पर मैं थोड़ा सा नीट वालों को पूछना चाहता हूँ, भाई नीट वाले कोई है बताओ, समझ पा रहे हो तुम लोग, कोमल देख मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इतने पोर्शन का टेंशन समझ गई, टोटल वेट अपॉन टोटल लेंथ इनटू गिवन लेंथ, काफी बार अपन ये यूज कर रहे हैं, राइट, रोटेशन में भी अपन ने ये सारे कंसेप्ट यूज किए, मास पर यूनिट लेंथ इनटू गिवन लेंथ मास के लिए, राइट, सेम वैसा टेंशन निकाला। अब इस पोर्शन का एक्सटेंशन कितना माना, dy माना, तो dy upon original dx is equal to tension by area into yangs modulus, तो इसको करो integrate, dy is equal to करो w upon lay integration of dx, sorry integration of x into dx, ये dx इधर चला गया dy इधर बचा, ये जाएगा total extension delta l, w upon lay वैसे ही रहेगा, x का integration कहां से कहां जाएगा भाई, जीरो से l तक, तो बताओ कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू, x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2 मतलब l स्क्वायर बाय 2, तो एक l ने एक l को मार दिया, क्या आया w बाय 2ay, wl बाय 2ay, क्या आया डेल्टा l का वैल्यू आया
W into L divided by 2A1. अब मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, बहुत बढ़िया नीट वालों के लिए, स्पेशली जेई वालों को तो एकदम ऐसे ही जाना है, बिल्कुल ऐसे ही जाना है। देखो आपको ये तो समझ गया ना नीट वालों, डेल्टा एल बाय एल मतलब स्ट्रेन, और स्ट्रेन मतलब सिग्मा बाय यंग्स मॉडुलस, ये तो समझ गया आपको। तो आप ये भी समझ गए होगे कि डेल्टा एल मतलब ये जो एल नीचे था ये ऊपर चला गया, तो क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू एल बाई वाई, करेक्ट, ये एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक, ये एक्चुअल फॉर्मूला समझ में आ गया। अरे चेक नहीं किया भाई, ये तो पहले देखने दी। अब देख यहां पे ये कैसा रॉड है, मास वाला रॉड, कैसा रॉड है ये, मास वाला रॉड। बोले इसका सेंटर ऑफ मास किधर लाया करेंगे, सेंटर ऑफ मास किधर लाया करेंगे, तो डायरेक्टली लिख दे एल बाई टू, सिग्मा बोले तो टेंशन, टेंशन बोले तो टोटल वेट लिख दे W, डिवाइडेड बाय एरिया इनटू y, हो गया क्या सॉल्व, देख वन स्टेप में हो गया क्या सॉल्व। एग्जाम में तू ये करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा, तू नीट का स्टूडेंट है तो डायरेक्टली ऐसा करेगा, समझा गया। दिस इज ओनली फॉर JEE स्टूडेंट, बट आई वॉन्ट टू टेक दिस एग्जाम्पल, सो आई जस्ट रिक्वेस्ट नीट स्टूडेंट टू जस्ट फॉलो द स्टेप्स आई एम डूइंग, ओके, don't get panic if you are not getting this sum, this is thoda tough sum, thoda tough, I have to take this sum, otherwise काफी questions नहीं बन पाएंगे, इसलिए ये sum लेना पड़ेगा। सर क्या logic इसके behind use किया, अरे com का height लिखा अक्षय, ना 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 उत्तरा मैं समझ गया तूने जीरो क्यों बोला, यू आर JEE स्टूडेंट उत्तरा, उत्तरा आई गॉट इट व्हाई यू सेड जीरो उत्तरा, बट देयर इज अ वेरी वेरी माइन्यूट डिफरेंस, इट्स एक्सेलरेटेड रॉड एंड उत्तरा द थिंग इज दैट कि मास है रॉड का, मास, मासलेस रॉड में स्ट्रेस नहीं होता, पर ये मास वाला रॉड है, जरा सोचो अंदर के लेवल पे जाके सोचो क्या हो रहा है उत्तरा, it's a very good question, that's what I said initially, question 3 mein sab saath mein badhenge na, ye socho sochna hai, nahi fir nahi ho payega Akshay, main neat walon ke liye bataya wo technique, tumko chupchap integrate karna hai, tum Akshay JEE ke student ho na, तो तुम चुपचाप अपना बेसिक तरीका, ये जब तक नहीं करोगे तब तक JEE में सिलेक्शन नहीं होएगा, ऐसा समझ लो, तो ऐसी चीजें आनी चाहिए इंटीग्रेशन में। नीट स्टूडेंट तुम्हारे लिए और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व मत करो तुम, तुम ये क्वेश्चन करो, नीट स्टूडेंट आपका क्वेश्चन बोर्ड पे, JEE स्टूडेंट आपका भी क्वेश्चन बोर्ड पे, दोनों भी करो, JEE वालों को ये क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नीट वालों को ये क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी जरूरत है, दोनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन, दोनों को अपन उनके लेवल तक ही रखते हैं, नीट वाले ये समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, उनके लिए बहुत टॉप टॉप 100 में आ जाएंगे फिजिक्स में अगर ऐसी क्वेश्चन समझते हैं। गाइस इसका सोल्यूशन मिटा सकता हूं मैं,
सबने लिख लिया, कोई है अभी भी लो जाने वाला कोई लड़का? डन ना? पॉइंट टू सेंटीमीटर खिसक गया भावा, खिसक गया किसना? पॉइंट टू सेंटीमीटर खिसक गया रे, समझा नहीं क्या? इसका आंसर किसना? तूने आंसर भी दे दिया? क्या आंसर दिया रे? आंसर है ऊपर वाले क्वेश्चन का FL by 2y. FL by 2y आया क्या किसी का? FL by 2y तो सही है बिल्कुल, किसना करेक्ट बेटा. क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर FL by 2y. करें भाई डिस्कस करें. नो नो निहारिका नहीं, मैं समझ गया जो बच्चे जीरो बोल रहे हैं ना, मैं उनका लॉजिक समझ गया. जब मैंने इसको समझाना शुरू किया था तो मैंने बोला था देखो स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए. तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है, पर भाई ये मास वाला रॉड है, वहां पे अपने स्प्रिंग जैसा कुछ लिया था, एक लेस निग्लिजिबल मास जैसा लिया था. देखो बेटा ध्यान दो अभी, निहारिका समझना बेटा क्या हो रहा है. You are J student, right? Niharika? Inertia. Inertia तो है ही. ये कौन है? उत्तरा कामत. बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है बेटा. आगे बढ़ो. और एक कौन था? अरे प्रणव नहीं हुआ क्या बेटा? प्रणव डिस्कस करो. देख भाई ऐसा है कि ये एक रॉड है, इस रॉड को आपने यहां से खींचा, आप चाहते हो कि यहां कितना टेंशन है चेक करो, तो आप यहां से कट कर देते हो. आप एक्स डिस्टेंस पीछे चेक करना चाहते हो कि टेंशन कितना है, तो आपने कट कर दिया, तो आपके पास एक छोटा सा रॉड आया. इसकी लेंथ कितनी है आपकी? एक्स. इस तरफ से फोर्स लग रहा है एफ, इस तरफ से फोर्स लग रहा है लेट्स से एफ डैश. ठीक है तो नेट. अच्छा बाय द वे एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड क्या? डायरेक्टली एफ बाय एम लिख सकता हूं, बराबर. अब यहां पे नेट फोर्स कितना है बेटा? नेट फोर्स इज एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू मास ऑफ दिस गिवन पोर्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन दैट इज एफ बाय एम, बराबर. अल्टीमेटली आई हैव टू राइट मास ऑफ द गिवन पोर्शन, तो कैन आई से टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू गिवन लेंथ. Mass per unit length into given length ka mass is multiplied by x multiplied by f by m. M ne m ko maar diya. F minus f dash aa gaya f by l into x. Iska matlab f dash aa gaya f minus f x by l which is f l minus x divided by l. Correct? Ab iske piche chhota sa element hai, chhota sa ekdam. इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ कितना? छोटा सा लेंथ dx, करेक्ट. हाँ बेटा इंटीग्रेशन ही कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ही कर रहा हूं, रुक जा. ठीक है अब इसके ऊपर इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है. मान लेते हैं इसमें इलांगेशन आया dy, ओके ओरिजिनल लेंथ dx,
इज इक्वल टू टेंशन मतलब फोर्स, फोर्स का वैल्यू एफ एल माइनस एक्स अपॉन एल, ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, बोलो समझा क्या? अब dy का वैल्यू क्या हुआ, f अपॉन एल ए वाई एल माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई dx, और इसका इंटीग्रेशन, ओके दोनों तरफ से इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेशन करो कितना मिलेगा, डेल्टा l इज इक्वल टू f अपॉन एल ए वाई एल इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन इज एल इंटू एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट फ्रॉम जीरो टू एल। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय टू विच इज एल स्क्वायर बाय टू, तो अल्टीमेटली बन जाएगा एफ एल बाय टू ए वाई। इसको करने का दूसरा तरीका, नीट स्टूडेंट कान अलर्ट एकदम, जब कभी आपको एक तरफ फोर्स, वैसे तो ये क्वेश्चन आना बहुत ही रेयर चांस है बेटा आपको नहीं है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मुझे लगता है इतना टफ क्वेश्चन तुम्हें पूछेगा। वर्स्ट केस में अगर वो एक हाथ बहुत अच्छा सवाल डालना चाहता है आपके पेपर में और ऐसा क्वेश्चन डाल दिया उसने, तो आपको क्या करना है, ये एफ है क्या, ये दोनों तरफ से सीटी, अरे नीट बोला तो सीटी का भाई, ठीक है नीट और तीन तीन नाम लू क्या, समझा करो यार भावनाओं को, समझो भावनाओं को, समझ सकते हो ना तुम लोग, समझदार हो यार, वेल्थ में चले गए आप, ठीक है सो यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड की नीट और सीटी ऑलमोस्ट सेम लेवल है, इनफैक्ट सीटी उससे भी इजी क्वेश्चन आएगा, टेंशन ही नहीं लेने का, ठीक है। अब देखो इधर से एफ लगे, तुमको क्या पता है, व्हाट डू यू नो, यू नो दैट कि अगर फोर्स दोनों तरफ से लगता तो स्ट्रेस एफ बाय ए होता, बराबर की ये पता है ना तुमको कि दोनों तरफ से लगता तो एफ बाय ए होता, ये तुमने रट्टा मारा हुआ, अरे हाँ या ना, हाँ ना, तो आप बताओ ये F है तो नेट फोर्स F होना चाहिए, तो क्या F by 2 को आधे आधे में बांट दो, आधे आधे में बांटा तो देखो आ गया विदाउट कुछ सोचे समझे, ट्रिक्स है ये, क्वेश्चन को जल्दी करने की ट्रिक्स है, आपके पास समय नहीं होता ना, इनफैक्ट यही वाले यूज कर सकते ऐसा नहीं है यूज नहीं कर सकते, लेकिन यूज है, बट इट विल बी बेटर बिकॉज द क्वेश्चन इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर यू नो गिविंग इन द जेई एग्जामिनेशन और एडवांस एग्जामिनेशन दे विल ट्राई टू यू नो मिस्टेक करवाएगा तुमसे, नीट वाले को डायरेक्टली ऐसे ही देगा, नीट वाले को डायरेक्ट यही इससे बाहर जाएंगे नहीं, गारंटीड है नीचे, यस दे शुड कॉपी, वाई नॉट कॉमन, यस एवरी वन शुड कॉपी, ओके प्लीज कॉपी एंड लेट मी नो। By the way, next question was already written on the board, okay? So hope कि आप लोगों ने solve कर लिया वो। What's the time left? Oh man, जल्दी जल्दी करो। Complete नहीं हो पाएगा शायद। Anyways, कोई बात। Everywhere the force is different, everywhere the tension is different to him, everywhere, whatever the area you are cutting, no, everywhere the tension force is different, that's why. Now, हमने ये नहीं माना बेटा, एक तरफ होगा F dash, दूसरी तरफ होगा F dash plus BF, ऐसे किसने पूछा था, स्वयं, ठीक सेम कैसे होगा, स्वयं एक तरफ एफ डैश दूसरी तरफ थोड़ा सा चेंज, हल्का चेंज, एकदम छोटा सा चेंज, समझा क्या स्वयं, अरे नहीं 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 सोच जरा, मैंने बराबर लिया, सोच क्यों, क्या लेते हैं अपन, कौन सा फोर्स लेते हैं, रिस्टोरिंग, इस एलिमेंट के लिए रिस्टोरिंग फोर्स लिया जाता है, रिस्टोरिंग क्या है, एफ डैश है कि डीएफ है, बता व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स हियर, अबे डीएफ नहीं है रिस्टोरिंग, एफ डैश है, निहारिका डीएफ नहीं है, डीएफ तो भगाने वाला फोर्स हो गया ना निहारिका, और इनफैक्ट डीएफ यहाँ निगेटिव है निहारिका, एक्चुअली इसकी डायरेक्शन उधर होनी चाहिए, उधर ज्यादा होनी चाहिए, समझी क्या बेटा निहारिका,
रिस्टोरिंग मतलब जो दोनों तरफ इक्वल इक्वल दिखता है वो रिस्टोरिंग। हीट जैसे जैसे तू इधर इधर आ रही है क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, फोर्स चेंज होते जा रहा है ना, समझ रही कि नहीं समझ रही। तो यहां अगर तू डी एफ लिख रही है तो यहाँ एफ प्लस डी एफ होगा, डिक्रीजिंग होगा, एग्जैक्टली समझ में आ रहा है क्या बेटा। और तुझे रिस्टोरिंग चाहिए, रिस्टोरिंग का मीनिंग क्या हुआ, जो दोनों तरफ दिखे वो रिस्टोरिंग है तेरे, समझी ना। So anyways guys, question number 4. Neat student, tell me what are the answers for question number 4. Come on, tell me. J student, tumhara ye ho gaya sabka likh ke. Tuhin, please write it quickly beta. Everyone, question for everyone. Okay, easy level questions, basic questions. फटाफट कोई मुझे बताएगा फोर्थ के answers? हाँ भाई कोई बताएगा फोर्थ के answer? Neat students, come on. I expect these answers from you guys. Epsilon का value बताओ. Question number 4, epsilon का value. Come on guys, tell me. Yes, anyone? Point 04 is the correct answer. What's your name? Uttara. Uttara ne sahi solve kiya. So hum fifth question ka answer 98 meter hai. Kilometer kaise aa gaya? Beta fourth question kar rahe ho nahi kar rahe ho aap log solve? Ek hi bachche ka answer aaya hai. एप्सिलॉन बोले तो क्या था इधर, स्ट्रेन, स्ट्रेन बोले तो क्या था इधर, टैन थीटा, टैन थीटा बोले तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, करेक्ट ये था। सो आप देखो क्या हो रहा है इसका वैल्यू, इधर दो जीरो आगे बढ़ना है आपको, उधर भी एक जीरो दो जीरो, कितना हुआ 0.04। ये क्यों नहीं आया अभी तक तुमको,
इसमें ऐसा क्या डिफिकल्टी है? डायरेक्ट था ना, इसका टैन थीटा लेने का था. नीट स्टूडेंट कोमल, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोमल सिग्मा बताओ. चलो कोमल सिग्मा बताओ, और उसके बाद क्या पूछा था तीसरा? ईटा बताओ. सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. चलो फटाफट बताओ. 100 मीटर इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर. यस चौहान इज द करेक्ट आंसर. सही है अश्वथ, बिल्कुल सही आंसर. Correct distance, epsilon, sigma. Sigma is force upon area, area of top layer. क्या आएगा? Area of the top layer. Area of the top layer क्या होगा? Square है ना? Square है, almost square. Square है. इसका size कितना दिया? 0.05. तो उसका भी 0.05. तो 5 5 10 to the power -4 ये हो गया तुम्हारा फोर्स अपॉन एरिया मतलब स्पेस. तो 8 by 25 और इसमें 1 2 3 4 0 25 8 25 कितना हो जाएगा? 25 कितने? 3200 हो रहा है क्या? देखो एक हो रहा है क्या? और यहाँ क्या करेंगे? 3200 डिवाइडेड बाय 0.04. एकदम इजी इजी क्वेश्चन थे. आ गया सबको ये? फिफ्थ क्वेश्चन करो चलो फटाफट. टॉपिक कंप्लीट तो नहीं कर पाया मैं आज, लेकिन ठीक होगा. हंड्रेड मीटर फॉर फिफ्थ. यस आई टोल्ड यू नो इट्स ऑलरेडी करेक्ट आंसर. 98 इज अ करेक्ट एक्यूरेट आंसर. 98. They have given the answer as 98 आया क्या आप लोगों का? करो डिस्कस करो गाइस. सबका हो गया पक्का? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले डेल्टा पी माइनस में डेल्टा वी बाय वी. उसने डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू दे दी है मुझे, तो मैं बल्क मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी बाय वी को 1% कितना दिया? 0.1% इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर. चेंज इन प्रेशर बोले तो रो जी इनटू हाइट एच. ठीक है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी थी? 9.8 × 10⁸ (0.1) मतलब बेसिकली 10⁻¹ ये -1 था और दो ऐड हो गए तो -3 इक्वल्स टू रो की वैल्यू कुछ दी है. रो की वैल्यू वाटर दिया, वाटर दिया तो दिस इनटू जी इनटू एच कुछ छूटा क्या? सॉरी जी का वैल्यू 9.8 ले लो, 9.8 से 9.8 कैंसिल कर दो. ओके तो एच की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी? ये -6 हो जाएगा तो 100 है. 100 परफेक्ट आंसर है. उन्होंने 9.898 क्यों दिया रे? व्हाई दे ओके दे हैव टेकन इट एज 10 आई गेस. हां दे हैव टेकन इट एज 10 आई गेस. यस जी को 10 लिया उन्होंने. 100 मीटर करेक्ट है. बोलो चमका क्या सबको? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या पढ़ा हमने आज? फटाफट रिवाइज कर लेते. क्या पढ़ा आज हमने? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से शुरू किया. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में सबसे पहले क्या आता है? 0 to a वाला पार्ट. वहां क्या होता है? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है. उसको क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ बोलते हैं. हुक्स लॉ में कौन सा मॉडुलस डिफाइंड होता है? यंग्स मॉडुलस डिफाइंड होता है. उसके बाद क्या आता है? उसके बाद ऐसी एक लिमिट है
जहां से अगर बॉडी को रिलीज किया जाए, छोड़ दिया जाए, स्ट्रेस को रिमूव किया जाए, बॉडी वापस आ सकती है, लेकिन थोड़े से स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग बहुत ज्यादा इलॉन्गेशन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं है, स्ट्रेस थोड़ा कम होने के बाद भी स्ट्रेन ज्यादा मिलती है। उसके बाद आ जाती है प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट में अगर तुम बॉडी को स्ट्रेस से मुक्त कर दो, हटा दो, तो बॉडी वापस से अपनी शेप को रिगेन कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगी, अनलेस एंड अंटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के तुमने वैसा करवा दिया। उसके बाद एक पॉइंट आता है ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद बॉन्ड टूट जाता है और इवन आफ्टर द लोड इज रिमूव्ड बॉडी एक्सटेंड करती जाती है और एक पॉइंट पे टूट जाती है, जिस पॉइंट को फ्रैक्चर पॉइंट कहा जाता है। कभी भी हम इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं तो हम इस हिसाब से बनाते हैं कि वो ब्रेक ना करे, तो हम एक ब्रेकिंग स्ट्रेस डिफाइन करते हैं और एक वर्किंग स्ट्रेस डिफाइन करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इनका रेशियो, जिसको अपन सेफ्टी फैक्टर कहते हैं, वो 2 से बड़ा रहे। उसके बाद हमने मॉडुलस के और टाइप्स पढ़े। यंग्स मॉडुलस तो पढ़ा था, टेंसाइल बाय टेंसाइल, वैसे ही हमने शियर मॉडुलस पढ़ा, शियर बाय शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, वैसे ही बल्क मॉडुलस पढ़ा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को कॉम्प्रेसिबिलिटी कहा जाता है, जितनी ज्यादा कॉम्प्रेसिबिलिटी है उतना बल्क मॉडुलस कम रहेगा। यही चीज हमने आज पढ़ी है, होप कि अच्छे से रिवाइज भी होगी। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।